टंग, ठीक है। इसके ऊपर फॉलिएट और फंगीफॉर्म फिलीफॉर्म पपीला वगैरह यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जो ग्रूव आ रहा है, ये कौन सा ग्रूव है? सल्कस टर्मिनालिस। और इस ये जो यहाँ पे जहाँ मिल रहा है ना, यहाँ पे अपने फोरामन सीकम कह देना है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ये जो फोल्ड होते हैं ना, ये होते हैं सर्कमविलेट पपीला के, फोल्ड नहीं मतलब के होते हैं, हाँ। और उसके बाद जो है ना, ये आगे वाले इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग है, ठीक है। इससे पीछे पोस्टीरियर पार्ट आता है और उससे पीछे पोस्टीरियर मोस्ट। अब ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, आगे तो हमने ये फॉलिएट पपीला वगैरह ये सब देख लिया ना, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, देखो ये जो दिख रहे हैं, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, ये तो वैसे भी आपको लोकेशन से भी पता चल जाएगा ना, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, ये एपिग्लोटिस है, मैं इस एपिग्लोटिस को फिंगर से थोड़ा नीचे कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दरमियान में जो है, ये है मीडियन एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है। और ये जो दो हैं, ठीक है, ये हैं लेटरल एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है। अब मीडियन और लेटरल एपिग्लोटिक फोल्ड के दरमियान जो मेम्ब्रेन है दोनों साइड पे, ये होती है वेलिक्यूला, ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस को मैंने ऊपर कर दिया, अब ज़रा इधर आएँ, ये है ये जो है लेरेंसिया, ठीक है। इसके साइड पर जो यहाँ पे हमें ये फोसा दिख रहा है, ठीक है, ये है पायरीफॉर्म फोसा, ये जो मछली का कांटा जहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हम ये आगे आ जाएं, अब हम लेरिंग्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और लेरिंग्स के कार्टिलेज देखते हैं, ये फ्रंट साइड है, तो ये है हमारे पास जो कितना प्यारा दिख रहा है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज के दो लैमिना है, ठीक है। और ये ऊपर नोच बना के जो मिल रहे हैं, ठीक है, ये है लेरेंजियल प्रोमिनेंस, अगर मेल होता है एडम्स एप्पल, फीमेल में नहीं होगा ना। अच्छा, उसके बाद ये ब्लीक लाइन है थायरॉइड कार्टिलेज की, यहाँ पे जो मसल लगते हैं वो स्टर्नो थायरॉइड थायरोहायोइड मसल्स लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थायरॉइड कार्टिलेज के जो नीचे है रिंग शेप में, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और उससे नीचे ट्रेकिया के रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको बैक साइड पे करते हैं, और पीछे हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज नहीं होगा, और इस पर कोई पिन भी नहीं लग सकती, पीछे नहीं होता, आगे होता है। अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ना, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का लैमिन है, और ये ऊपर जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये होता है रेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस जो है और ये रेटिनॉइड कार्टिलेज के दरमियान जो फोल्ड है दोनों साइड पे, ये है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। इसमें दो कार्टिलेज होते हैं लेरिंग्स के, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, लेकिन क्योंकि वो हमें इतना प्रोमिनेंट नहीं दिख सकते कि वो एक जगह पिन लगाएंगे, पहले कॉर्निकुलेट आए फिर क्यूनिफॉर्म आए, तो हमने अगर यहाँ पे पिन लगी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो एरी एपिग्लोटिक फोल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर जा रहा है, ठीक है, ये लेरिंग्स है, ठीक है, ये जो अंदर जा रहा है ये लेरिंग्स है, ठीक है। और लेरिंग्स के पीछे ये फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है, और इसमें क्या है, और इसमें जो है जो इसकी ओपनिंग है, अगर हम इसका ये वाला सेक्शन लें, ठीक है, यूं काट के, तो जो ऊपर फोल्ड होता है ना वो होता है वेस्टिबुलर फोल्ड, और जो नीचे फोल्ड होता है वो होता है वोकल फोल्ड, ठीक है। अब लेरिंग्स का जो पार्ट जो वेस्टिबुलर फोल्ड से ऊपर होता है वो होता है सुप्राग्लॉटिक पार्ट, और जो वोकल फोल्ड से नीचे होता है वो होता है इंफ्राग्लॉटिक पार्ट, ठीक है। लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, अभी इसको भूल जाए। और इसमें यही था।